नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। साल इन्होंने राज करा है, अकेले दम पे मोदी जी लड़े हैं। सबसे बड़ी बात है शेर जिंदा है। राहुल गांधी तो बोले शेर तो बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा के भागा है अपने बनारस से, 1.5 लाख वोटों से जीता है। प्रियंका गांधी अगर बोले मेरी बहन अगर आ जाती बनारस में, मोदी जी का इस बार सुपड़ा साफ होना। अरे कहने को तो पता नहीं वो कितने वादे करते हैं 8,000 वाले, उनके तो कार्यालय पे जाके 8,000 रुपए नहीं दे पा रहे उनके लोग। आने दो, अभी अगले साल विधानसभा का चुनाव है, पता लग जाएगी कौन जीतेगा कौन। दिल्ली में जीत के दिखाते, 7 सीटों पे एक सीट नहीं आने दी, एक सीट। 4 कांग्रेस के बंदे खड़े हुए, 3 आम आदमी के खड़े हुए, उत्तर पूर्वी जिला से खड़ा हुआ कन्हैयालाल, हमारे मनोज तिवारी ने जीता के दिखा दिया। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो मोदी जी है वो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि सितंबर में उनका कार्यकाल और 75 साल के हो जाएंगे। पहली बात तो यार जॉनसन कह रहा भाई अमित शाह को मतलब बनाना चाह रहा भाई, यू था के नाम लेकर इसका सोनिया गांधी अपना परिवार भरती आई, सोनिया गांधी और राजीव गांधी रे फुलाना ढिमगाना कोनो बाचा लाती आई कुछ इसके भैया मोर मार का रही थी के तेरे खानदान में लिख रही प्रधान यार प्रधानमंत्री की योजना कुछ लिख रही थी या। दूसरी बात या जो TMC के वकील कह रहा था ममता बनर्जी बीमारी वो बाबा अपने भतीजे कुछ आवा बनाना सबकी न्यारी न्यारी थोपड़ी। मुलायम सिंह यादव वो अपने पूत को अखिलेश यादव को सबका अपने अपने घर में लग रही, वो तो फिर भी अलग बना रहा, तो इसमें गलत किया भाई। जो सरकार बढ़िया चलावेगा वो आवेगा, उसे वो रोक नहीं सकता। पीओके आवाज आना चाहिए क्योंकि अब पाकिस्तान के हालात कुछ और हैं, और अब तो पाकिस्तान की एंट्री भी जो है वो बंद कर दी है पीओके ने, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए पाकिस्तान की हालात ऐसी है तो कहीं ना कहीं भारत जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं मोदी जी इसके जिम्मेदार है। क्योंकि पहले होता था वो आते थे हमें ठोक के चले जाते थे, हम उनके यहाँ बायलैटरल टॉकिंग ही में ही रह जाते थे, उलझे हुए रह जाते थे। अब वो आने की सोचते नहीं, अगर वो आते हैं तो पहले उनको ठोक के भगा दिया जाता है। ये बदलता हुआ भारत है साहब, ये मोदी वाला भारत है। देश में बैठा चौकीदार है तो उसकी आंखें खुली है, बॉर्डर के ऊपर अगर करामात करोगे घर में घुस कर मारेंगे। और प्यार से कहते हैं जो हमारा था प्यार से छोड़ दो। कर्नाटक में अच्छा काम किया होगा पहले राहुल गांधी ने, इसीलिए तो दोबारा जनता ने उनको सम्मानित किया, दोबारा वोट दिए और वो दोबारा वहाँ के सांसद बने। मैडम मैं आपको डेमोग्राफी बताता, वहाँ की डेमोग्राफी है चेंज। आपने देखा कर्नाटक के अंदर जो 8500 रुपए लेने वाली महिला है वो सबसे ज्यादा एक ही कलर में मिलेगी, ब्लैक कलर में। हिंदुओं की जो महिलाएं हैं उन्हें ज्यादा संख्या मुस्लिम महिलाओं की, सबसे हिंदुओं की महिलाओं को जरूरत ही नहीं है। हिंदू छोड़ो जो भी, मैं तो आजकल देख रहा हूँ मुस्लिम लोग भी और मुस्लिम महिलाएं भी, मैं तो 0.01% कहता हूँ, 99.9% सारे, क्योंकि मुस्लिम के जो आप सेंसेक्स उठाओगे ना 50% इलिटरेट है, लिटरेट नहीं है, इलिटरेट। अब पहले मैं भी मुस्लिमों के विरोध बोलता था, अब मेरा मन नहीं करता, मैं कितना समझाओगे इन्हें। जो डंके की चोट पे अकेला आवास योजना मिली मिली, शौचालय मिले मिले, राशन मिला मिला, वोट दोगे? वोट तो हम उसे ही देंगे जो हमारा मदद कहेगा, तो क्या फायदा? आप किसके लिए काम कर रहे हो? मोदी जी तो कहते थे एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में लैपटॉप, किसके लिए काम कर रहे हो मैडम आप? लेकिन राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में कहा कि हम तो सिर्फ लोकतंत्र बचाने की वो कर रहे हैं, आज मोदी के हाथों में लोकतंत्र बचेगा नहीं। वो कुछ नहीं, वो जब 55 साल से वो कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? वो कहते हैं कि हमने सड़कें दी, लाइटें दी, सब हमने दिया, आज भाजपा उसका हमें तो नहीं दिख रहा यूपी में। अब आप जाके देखिए यूपी कितनी चमन है, हमें इससे पहले तो नहीं दिखा। वो सिर्फ बोलता है, वो कुछ नहीं करता है, वो कुछ भी नहीं करता है। वो तो कह रहे हैं कि इस बार तो मोदी बच गए लेकिन अगली बार भाजपा बचेगी नहीं। अगली बार तू ही नहीं बचेगा, तू ही ऊपर पहुँचने वाला है। वो कहीं नहीं बचेगा, अगली बार तो वो बचेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। उसे इतनी तमीज नहीं है वो देश चला सके। प्रियंका गांधी को तुम कॉमेडियन क्यों बोलते हो? प्रियंका गांधी की छवि जो है वो अभी तक एक गंभीर नहीं है भाई, वो अभी तक ये कर रही थी मोदी जी को कहते खटाखट 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 ऐसे तो कर रही थी वो अभी। और क्या करेगी कॉमेडियन, इसलिए नाम आ रहा है। अब उनको सब पप्पू बोलते हैं राहुल गांधी को, तो वो है उबले हुए आलू। अब उबले हुए आलू जब मसाला नहीं गिरेगा तो भरता नहीं बनने वाला, तो अब वही भरता बनने वाला है। मसाला का काम करेंगे? हाँ मसाला काम करेंगे वो। मसाला का काम बता रहे हैं प्रियंका गांधी, मसाले का काम यही करेगी वो, सब सबके साथ मिलके 32 पार्टी मिलके भी भाई विजय मोदी जी को नहीं हरा पाए। उसे गिराने के चक्कर में कैसे पागल हुए पड़े थे, 400 ना पार हो जाए, 400 ना पार हो जाए, अपना तो देख लो कहाँ पे पहुंच गए।
पानी के लिए बोला पानी फ्री दूंगा, लेकिन पानी के बिल आते हैं। अभी आपने देखा बिजली फ्री है। तिहाड़ जेल जाने से पहले भाई साहब इन्हीं दिल्ली की सड़कों पर बिजली के बिल फाड़ते हुए घूम रहे थे। बोले थे मेरी सरकार से बिल गलत छप गए। गलत छप गए का मतलब क्या है? आप भ्रष्टाचार करना चाहते थे। बिल गलत छपेंगे, बिजली के दफ्तर में लोग बिल जमा कराने जाएगा, वहाँ आपके दलाल खड़े होंगे, कितने का बिल है जी? 4 लाख का है, हम आपको 1 लाख में सेटल करा देते हैं, 50,000 रुपये हमारी रिश्वत दे देना, आपको 2 लाख का फायदा हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार का नया मॉडल केजरीवाल ने स्थापित किया है। केजरीवाल का नाम भारत वर्ष की जनता इतिहास में लिखा जाएगा। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचारी, इससे बड़ा घोटालेबाज भारत वर्ष की राजनीति में आज तक न पैदा हुआ है और न भविष्य में होगा। ये अगर मोदी जी का सरकार आता ना, खटाखट सबको बैठा देता। आप क्यों नहीं बन रहा है? आप क्यों नहीं बन रहा? क्यों? इनके गले में हड्डी फंसा हुआ है, हड्डी फंसी हुई है गले में मोदी जी के। देखिए अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि 3 महीने सरकार चलेगी, 6 महीने चलेगी। मेरा मानना ये सरकार ये पूरा पूरा कार्यकाल पूरा करेगी और पूरे टाइम ये सरकार चलेगी और मजबूती के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ ये सरकार पूरा अपना काम करेगी। जो फैसले लेने हैं, चाहे वो कठोर हों चाहे वो हल्के हों, वो फैसले लिए जाएंगे। गले में हड्डी कौन? ये अपना अपना देखने का नजरिया है। मेरे ख्याल से कोई गले में हड्डी नहीं है, कोई किसी को जबरदस्ती खींच के नहीं लाया गया है। वो अपनी मर्जी से सरकार के साथ शामिल हुए हैं। किसी के गले में रस्सी डाल के खींचा नहीं गया है, किसी को फांसी पे नहीं लटकाया गया है ये तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम हमारे साथ आ जाओ, ऐसा नहीं है। जो आया अपनी मर्जी से आया। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।